तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक सक्सेसफुल कस्टमर ऑफ बजाज, जिनसे हम आज बात करेंगे कि बजाज की गाड़ियाँ क्यों मार्केट में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और इसके बारे में, और आज हम उनका एक्सपीरियंस भी लेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यदि आपको इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। को शुरू करते हैं। आज दोस्तों हमारे साथ हैं गोवर्धन जी, जिनसे हम बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस लेंगे कि उन्होंने बजाज की गाड़ियाँ क्यों खरीद, और दोस्तों उनका जो रियल एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों उनसे बात करते हैं। चलो सर नमस्ते, मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल टेकमैन सुरेश में। ये आपका गुड नेम बताइए। मेरा नाम गोवर्धन नंदा है, मेरा बिक्री का नाम है सुप्रभा बिक्री, बिक्री का काम है बजाज का, सीएनजी वाला ऑटो लेके चला रहे हैं। ये आपके पास कितनी गाड़ियां हैं लगभग? मेरा पास तो अभी 10 गाड़ी है, लेकिन बजाज का जो सीएनजी है अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया है दो साल पहले। आपने पहले यही वाला गाड़ी लिया था, ये वाला पहला वाला गाड़ी है, उसका बाद में दूसरा गाड़ी लिया है, अभी धीरे धीरे अभी सब चेंज करेंगे, सीएनजी में जाएंगे। ठीक है सर, मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां हैं, बजाज को ही क्यों चूज किए? नहीं, बजाज तो पहले से मेरा बेकरी में पहले से मेरे था, आई लाइक बजाज, तो बजाज का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो पहले से जो पेट्रोल में चलता था डीजल में चलता था वो पहले डीजल पेट्रोल, उसका बाद में डीजल, उसका बाद में सीएनजी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसीलिए हम इसके बजाज चॉइस करते हैं। सर लुक्स और डिजाइन के लिए हम देखें तो बजाज की गाड़ियों का लुक्स और डिजाइन आपको कैसा लगता है? ये अच्छा है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता सर। इंजन का परफॉर्मेंस? इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा है। अच्छा लगा आपको? माइलेज में ही सर आपको? माइलेज में जो डीजल में खर्चा होता है इसमें सीएनजी में कम खर्चा होता है, इसीलिए हमने डीजल से सीएनजी कन्वर्ट किया। सर इसका जो लोडिंग कैपेसिटी है, इसमें लोडिंग लेने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? क्योंकि बजाज की गाड़ियों में लोडिंग सबसे अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि बजाज की गाड़ियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड भी ले सकते हैं। इसमें सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है लोडिंग में? नहीं, लोडिंग में अच्छा है। अच्छा है, लोडिंग में अच्छा है। मेरा पास मेरा जो गया ऑटो चलाते हैं वो लोग भी हैं, उनका भी जब पूछ सकते हैं उनको, वो भी अच्छा है, वो भी खुशी से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लोडिंग में। मालूम है कि बजाज लगभग 4 दशकों से हमारे देश में अवेलेबल है, इस वजह से क्या सर आपको बजाज की गाड़ियों में मेंटेनेंस या फिर सर्विसिंग में कोई दिक्कत होता है? नहीं, सर्विस में कोई दिक्कत नहीं बजाज में। सर बजाज की जो सर्विस सेंटर से क्या वो आपको आसानी से मिल जाती है? हाँ, मिल जाता है। ओके अच्छा है, ठीक है, थैंक यू सर, आप अपना वैल्यूबल टाइम दिया हमें। तो आज दोस्तों हमारे साथ हैं सचिकंद भैया, जो कि गोविंद जी के ड्राइवर हैं, और वो उनका एक्सपीरियंस बताएंगे कि गाड़ी चलाने में उन्हें कैसा लगता है और गाड़ी को लेकर उनका जो रियल एक्सपीरियंस है आज हम दोस्तों उनसे बात करके जानेंगे। वो चले दोस्तों जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। आप कहाँ पर रहते हैं? यहाँ पे 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और यहाँ का ड्राइवर मैं 10 साल से चला रहा हूँ गाड़ी, बाजार पहले से ही बाजार चला रहा हूँ, और दूसरा गाड़ी भी चलाया, लेकिन बाजार मेरे को कम्फर्टेबल लग रहा है। गाड़ी में जब आप चलाते हैं गाड़ी का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है? जैसे कि आपको इसमें जो ड्राइवर सीट है, सीट नॉर्मली बजाज की गाड़ियों में सबसे अच्छा रहता है, जैसे जब आप लॉन्ग राइड में जाते हैं क्या उसमें आपको कुछ दिक्कत होता है, या फिर इसका जो एक्सपीरियंस है आपको कैसा रहता है? नहीं, लॉन्ग ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन गाड़ी सब ठीक ठाक है, ड्राइव चलाने के लिए कुछ जैसे कार जैसे लग रहा है, पहले जैसा जो गाड़ी था उसे अभी चेंज कर दिया सीएनजी, पूरा जैसे कार में बैठ के चलाते हैं, पूरा कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसे ही फीलिंग हो रहा है। तो डैशबोर्ड आपको कैसा लगता है? डैशबोर्ड सब ठीक है, लेकिन इसमें कुछ मतलब गलत ही नहीं है, इसमें सब ठीक ठाक लग रहा है। हम गाड़ी में जो पिकअप है, इंजन का जो पिकअप है, पिकअप आपको ड्राइविंग में इसका पिकअप का एक्सपीरियंस कैसा लगता है? पिकअप में तो एक बार लोड किया आया था 10 क्विंटल माल लोड करके, जो हमारा भुवनेश्वर ओवर ब्रिज है उसमें चढ़ाया था, गाड़ी धीरे धीरे आराम से चल रही है, गाड़ी ठीक लग रहा है, इसलिए तो हम मालिक को बोला कि हमको सीएनजी चाहिए, हमने मालिक लागे दिया है, एक्शन से हो गया लॉकडाउन से हम गाड़ी चला रहे हैं, तकलीफ नहीं है। आपने तो बहुत सारी गाड़ियाँ भी चलाया होगा? बहुत गाड़ी चलाया, लेकिन मालिक को कम्फर्ट लगा बाजार, इसीलिए मैंने मालिक को बोला बाजार जाने के लिए, इसलिए मेरा मालिक को बाजार ऐसे ही खुश हुए मैं गाड़ी चला के।
थैंक यू भैया, आप अपने वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। दोस्तों आज हमारे साथ हैं लिटन भैया जो कि सुप्रभा बेकरी के मैनेजर हैं और आज हम उनसे बात करके जानेंगे कि उनकी फैक्ट्री में वो बजाज गाड़ियों में कितना लोड देते हैं और बजाज गाड़ियों को लेकर उनका क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहले भाई मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे चैनल टिकमैन सुरेश में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आप कहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर। आप यहाँ पर कितने सालों से काम करते हैं? 20 साल से फैक्ट्री जॉब से काम करते हैं। ओके, फैक्ट्री जॉब से यहाँ पर शुरू है। यहाँ पर कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा यूज होती है? हमारा तो बजाज सबसे ज़्यादा यूज होती है। इसमें तो बहुत सारे गाड़ियाँ हैं, आप बजाज गाड़ी क्यों क्यों प्रेफर करते हैं? हमें कोई गाड़ी में चेसिस नहीं है, क्योंकि बजाज गाड़ी में चेसिस है, आप जितना माल लोड कर सकते हो अच्छा चला जाए। ओके, आप बजाज की जो आपका ऑटो है जो अभी मैंने नीचे भी देखा कि CNG गाड़ियाँ भी है, आप उनमें कितना लोड लेते हैं? हमारा जो तो बेकरी का आइटम वो हमारा 80 पेटी आराम से जा सकते हैं। एक पेटी में कितना लोड होता है? एक पेटी में हमारा 12 किलो लोड होता है। 12 किलो तो लगभग यदि हम देखें तो 960 किलो तक आराम से बजाज गाड़ियों में आप लोड ले सकते हैं। ओके, बजाज गाड़ियों में क्या आपको कुछ प्रॉब्लम होता है? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छा है। अच्छा, एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? ना अच्छा, अगली सब गाड़ी से वो बजाज गाड़ी अच्छा है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि हमारे लिटन भैया ने बताया कि बजाज गाड़ी उन्हें क्यों पसंद है। ये था दोस्तों लिटन भाई का एक्सपीरियंस बजाज गाड़ियों के लेके। तो हम इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बजाज की गाड़ियाँ क्यों मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होता है आप समझ गए होंगे। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर आप वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। ऐसे ही नए नए गाड़ियों का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों हम इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।